प्रभारी मंत्री व कृषि मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बेमेतरा में एक तरफ कोरोना अपना पांव पसारता जा रहा है, जिले 4 स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं। हालत यह है कि आज जिले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का दौरा था। नए सर्किट हाउस में विकास कार्यों का समीक्षा बैठक था, जिसमें मंत्री मोहम में कोरोना को दरकिनार कर कांग्रेसी पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सवाल यह है कि कहीं मंत्री मोह कार्यकर्ताओं को महंगा न पड़ जाए। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री एवं बेमेतरा जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में किए जा रहे उपाय एवं प्रयास के संबंध में जानकारी ली। बता दें कि जिले में लाइवलीहुड कॉलेज में 50 बिस्तर युक्त एवं शासकीय PG कॉलेज में 100 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। बेमेतरा के MCH में 100 बिस्तर युक्त COVID-19 अस्पताल तैयार किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जिले में खाद बीज के भंडारण एवं उठाव की समीक्षा की। सर, एक ऐसी मीटिंग सर, क्या समीक्षा की है? अब प्रभारी मंत्री जी का कोरोना के समय आगमन हुआ है, तो सबसे पहले तो कोरोना पे चर्चा हुई, तो सरकार के विकास कार्यों पे अलग अलग विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा चर्चा किया गया। आने वाले खरीफ की तैयारी में क्या क्या और आवश्यकताएँ हो सकती हैं, पॉजिटिव प्रकरण यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए उसको क्वारंटाइन के लिए कैसी व्यवस्था हो सकती है, इसे समीक्षा किया गया। और कुछ विशेष सर बेमेतरा जिले के लिए? बेमेतरा इसलिए हमेशा सब कुछ अच्छा है, हमारा अपना जिला है।